गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स टूजी फोर्थ ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉग इन कर सकते हैं बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल ट्विटर रिसर्च गेट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की वन थॉट ऑफ द डे इज कम्फर्ट इज़ द एनमी ऑफ अचीवमेंट और आज के मिट्ट पेपर की अप्रोक्सीमेटली ग्यारह इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रोक्सीमेटली ग्यारह इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम ग्यारह न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के, के पेज नंबर एक पर दिया हुआ है बैंक्स एंड ज्वेलर्स सी नो रश ऑन द फर्स्ट डे तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दो हज़ार के नोट के बैन के बाद जब पहले दिन जो रिटर्न का या जो विदड्रॉल का स्टार्ट होगा उस दिन बैंक्स में और ज्वेलरी शॉप्स में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को डायरेक्टिव्स भी दिए थे कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट वाटर फैसिलिटी और सिटिंग अरेंजमेंट्स बैंक प्रोवाइड करें उन सारे कस्टमर्स हो बैंक होल्डर्स को जो कि दो हज़ार रुपये के नोट को एक्सचेंज करने आए क्योंकि आर बी आई ये एंटिसिपेट कर रही थी कि फर्स्ट डे जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा जैसा कि हमें दो हज़ार सोलह के डिमोनिटाइजेशन केस के में देखने को मिला था हालांकि इसके अपोजिट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स या बहुत ज़्यादा कस्टमर फुटफॉल बैंक ब्रांचेस में देखने को नहीं मिला इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द हाई वैल्यू हाई करेंसी नोट्स तो जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कम भीड़ या कम रश देखने को मिला जो कि बैंक में या तो दो के नोट डिपॉजिट करने आए थे या अपने नोट्स को एक्सचेंज करने आए थे बैंक ब्रांचेस में और यही सेम ट्रेंड जो है वो ज्वेलरी शॉप्स और ज्वेलरी ट्रेडर्स के केस में भी रहा कि ज्वेलरी शॉप पर भी बहुत ज्यादा रश देखने को नहीं मिला जो जनरली दो के नोट जो है वो एक्सेप्ट कर रहे थे हालाँकि इसको लेकर बैंक ने पहले ही बहुत सारे डायरेक्टिव दिए थे कि किसी भी तरह के वाई वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है विदाउट एनी फॉर्म विदाउट एनी आई इंडिविजुअल्स कैन डिपॉजिट और एक्सचेंज देयर टू थाउजेंड करेंसी नोट हालांकि कुछ बैंक ब्रांचेज में कुछ ब्रांचेज uh, में कुछ डिस्क्रिप्रेंसी देखने को मिली कुछ बैंक्स ने कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट तरह के फॉर्म्स भरवाए जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था ऑल दो एस बी आई ने और बड़े जो कमर्शियल बैंक्स हैं पी एस बीस हैं उन्होंने क्लियर किया था ऐसा कोई फॉर्म रिक्वायर नहीं है और जो भीड़ भी थी वो भी बहुत ज्यादा या क्राउड बहुत ज्यादा नहीं रहा मैनेजेबल क्राउड था और डिफरेंट सेक्शन जो डिपॉजिट्स और एक्सचेंज के काउंटर्स जो बैंक्स ने ओपन कर रखे थे उसकी वजह से भी जो रश था वो मैनेजेबल रहा अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज नंबर वन ऑफ पेपर जी क्यू जीज जैन रेज इज अडानी स्टेक बाई टेन परसेंट प्लान टू इन्वेस्ट मोर तो जो वेटर इन्वेस्टर है मिस्टर राजीव जैन जिसको हम जी क्यू जी पार्टनर एल एल सी के नाम से भी जानते हैं उन्होंने अपना जो स्टेक है गौतम अदानी के कॉन्ग्लोमरेट में वो इंक्रीज किया है अप्रॉक्सीमेटली टेन परसेंट इट मीन्स उनका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर था अडानी ग्रुप में वो पहले कम था उसको उन्होंने इंक्रीज करके टेन परसेंट कर दिया और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले अडानी ग्रुप के जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज हैं उसमें और पार्टिसिपेट कर सकते हैं एगी इन्वेस्टर ग्रुप और उनका जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप में वो और ज्यादा इंक्रीज होगा और मिस्टर राजीव जैन के अकॉर्डिंग दिस इज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर असट अवेलेबल इन इंडिया और आगे आने वाले पांच सालों में दे आर कंसीडरिंग दम सेल्फ एज अ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अडानी ग्रुप तो वैल्यूएशन पर उन्होंने अपना प्रोजेक्शन देते हुए बोला कि आगे आने वाले टाइम में आगे आने वाले पाँच सालों में वो इतना इन्वेस्ट करेंगे अडानी ग्रुप में कि वो लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आएंगे तो दे आर सींग अडानी ग्रुप एज अ प्रॉफिटेबल वेंचर एज अ प्रॉफिटेबल कॉन्ग्लोमरेट एंड दैट इज वाई वेटर इन्वेस्टर मिस्टर राजीव जैन इज इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन अडानी ग्रुप वाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज थी उनके वैल्यूएशन को लेकर के स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर के और फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क थे जिस तरीके से उन्होंने हिंडनबर्ग ने कई सारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के क्वेश्चन मार्क रेज किया था उसके बाद से अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में लॉस देखने को मिला था तो कई सारा इन्वेस्टर लॉस भी अडानी ग्रुप ने फेस किया था और उस ड्यूरेशन में जब एक वेटरन इन्वेस्टर ये इंडिकेट कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये कंपनी आगे जा करके प्रॉफिटेबल होगी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर असेट है इन्वेस्ट करने के तो डेफिनेटली अडानी ग्रुप के लिए बहुत ही पॉजिटिव इन इन्फ्लुएंस ला सकती है यूनिस्ो कि जब बड़ा कोई वेटन इन्वेस्टर जो है वेटर इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या किसी पर्टिकुलर एसेट में किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है तो डेफिनेटली जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी उस ग्रुप में या उस ग्रुप के शेयर्स को ज़्यादा परचेज करते हैं तो और अगर करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जी क्यू जी का अडानी होल्डिंग्स में अप्रॉक्सीमेटली डॉलर थ्री पॉइंट फाइव बिलियन का इन्वेस्टमेंट अभी है हालाँकि अभी जो ग्रुप है वो किस तरीके से इन्वेस्ट करेगा डायरेक्ट शेयर खरीदेगा या किस पर्टिकुलर एस में इन्वेस्ट करेगा इसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है लेकिन यस ग्रुप ने जरूर स्पेसिफाई किया है कि वो आगे जा करके अडानी ग्रुप अपना में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप ले लैंड टू तो इन्वेस्ट अप टू वन करोड़ इन स्विच मोबिलिटी ले लैंड है मीन्स अशोक ले लैंड लिमिटेड जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट है तो ले लैंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है स्विच मोबिलिटी में इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर तो बेसिकली अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट सेगमेंट को फंड करने के लिए उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए एक्सटर्नल फंड रेजिंग एक्सरसाइज अशोक लेन करने जा रही है जिसके थ्रू 1200 करोड़ का फंड जो है वो रेज किया जाएगा और इसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज से जो पैसा आएगा जो फंड आएगा उसको इन्वेस्ट किया जाएगा अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जेपी मोर्गन स्पेंड डॉलर ट्वेंटी मिलियन टू स्टक कार्बन फ्रॉम स्टार्स काई तो जेपी मोर्गन चेस एंड कंपनीज हैज मेड वन ऑफ़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉरपोरेट परचेज टू पुल द कार्बन फ्रॉम द एयर तो जो स्विस स्टार्टअप है क्लाइम वर्क्स जो कि 2009 में इसका फाउंडेशन हुआ था क्लाइम वर्क्स इज वन ऑफ द अर्लीएस्ट कंपनी टू द डायरेक्ट एयर कैप्चर दैट इज अ टेक्नोलॉजी दैट रिमूव द कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर परमानेंटली तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉसफेयर से रिमूव करके परमानेंटली उसको स्टोर करने का काम ये करती है क्लाइम वर्क्स और 2021 में कंपनी ने अपना फर्स्ट प्लांट आइलैंड में ओपन किया था एंड कंप्लीटेड इट्स रिमूवल दिस ईयर और इसी के बाद दूसरा प्लान जो है वो भी कंपनी आइलैंड में इलेक्ट कर रही है तो इसी पर्टिकुलर क्लाइम वर्क कंपनी में द बैंक विल प्ले पे अप्रॉक्सीमेटली डॉलर 20 मिलियन फॉर द रिमूवल सर्विसेज और इससे क्या हुआ डेफिनेटली इससे जो क्लाइम वर्क कंपनी है इसको अपना बिजनेस को स्केल अप करने में हेल्प मिलेगी तो जो जेपी मुरगन है सीधी भाषा में जेपी मोर्गन वर्क में डॉलर ट्वेंटी मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो ये कार्बन रिमूवल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्लीन एनर्जी और क्लीन एयर वाली जितनी भी सर्विसेज हाँ हैं इनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है एंड दैट इज वाई जेपी मॉर्गन इज इन्वेस्टिंग इन टू क्लाइंट वर्क अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर एक पर दिया हुआ है सेफ इंटरनेट फॉर चिल्ड्रेन इन डिजिटल इंडिया तो जो ड्राफ्ट डिजिटल इंडिया बिल है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को रिप्लेस करके आ रहा है तो बेसिकली आईटी 2000 एक्ट जो कि अब कहा जा रहा है अपसलीट हो चुका है एज़ पर द करंट डेवलपमेंट उसके प्लेस में डिजिटल इंडिया बिल आ रहा है जो कि बहुत और ज़्यादा ब्रॉड है इन टर्म्स ऑफ द होराइजन और जो इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जो भी चैलेंजेस अभी रिसेंटली इमर्ज हुए हैं स्पेशली प्राइवेसी को लेकर के एथिकल इशूज़ को लेकर के डेटा मैनिपुलेशन को लेकर के डेटा स्टोरेज को लेकर के डेटा शेयरिंग को लेकर के जितने भी चैलेंजेस हैं इन सब को एड्रेस करने में जो डिजिटल इंडिया बिल है ये हेल्पफुल रहेगा क्योंकि तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये है कहना है कि जो आईटी एक्ट आया था 2000 में वो उस समय के आईटी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग था और आज के जो करंट चैलेंजेस हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के स्पेशली डेटा प्राइवेसी एथिक्स और डेटा स्टोरेज को लेकर के उनको ये जो एक्ट है ये एड्रेस नहीं कर पाता टैकल नहीं कर पाता तो जो नया डिजिटल इंडिया बिल आ रहा है इसमें कई सारे प्रोविजन डाले गए हैं सेफ्टी को लेकर के स्पेशली चिल्ड्रेन सेफ्टी को लेकर क्योंकि आज के टाइम में चिल्ड्रन जो किड सेगमेंट है ये आईटी और आईटी टी इनेबल टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है चाहे वो हेल्थ कंसिडरेशन हो चाहे वो सोशल कंसिडरेशन हो चाहे वो साइकोलॉजिकल वेलबींग हो और इसीलिए इस प्रोविजन को इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को स्पेशल प्लेस दिया गया है डिजिटल इंडिया बिल में तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसका जो पहला ड्राफ्ट है वो रिलीज कर दिया जाएगा फॉर पब्लिक कंसल्टेशन और इसका जो नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इसको डी पी बिल भी बोलते हैं अगर आप रेगुलरली न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको डी पी बिल के बारे में पता होगा हम कई बार इस बिल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो नया जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि ड्राफ्ट अभी प्रपोज किया इसमें है इसमें स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं किसके लिए जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं फॉर प्रोसेसिंग द चिल्ड्रेंस डेटा बच्चों के डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसे सेव करने के लिए उसे शेयरिंग को लेकर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर देयर विल बी सम स्पेसिफिक मेजर्स फॉर डी आई ए वॉट इज दिस डिजिटल इंडिया एक्ट जिससे कि चिल्ड्रेंस को प्रोटेक्ट किया जा सके उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको एक सेफर और ट्रस्टेड इंटरनेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके इन कंपैरिजन टू अडल्ट क्योंकि अडल्ट की जो रैशनैलिटी होती है सोचने की क्षमता होती है वो चिल्ड्रन से ज़्यादा होती है बच्चे होते हो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते इसलिए उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और जिस तरीके से आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेट पर कई सारे एक्सप्लॉइटेशन केस प्रसी हैम्परिंग के केसेस के के देखने को मिल रहे हैं दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ Keeping the special provisions for children in order to save them from unnecessary exploitation. थ्रू दीज इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और इसके लिए माई टी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्यूजडे को बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ स्टार्टअप्स के साथ इंडस्ट्री बॉडीज के साथ पॉलिसी एडवोकेट और लॉ एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन भी किया है कि जो डिजिटल इंडिया बिल आ रहा है उसमें ब्रॉड प्रिंसिपल्स कैसे रखे जाएँ स्पेशली वनरेबल सेक्शन को किसी भी तरह के एक्सप्लाइटेशन से रोकने के लिए और ऐसा कहा जा रहा है इसी के बेसिस पर इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट बिल में जो कई सारे इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी डेफिनेशन भी डिसाइड करी जाएगी उनको क्लासिफाई किया जाएगा और उसी बेसिस पर उन पर प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे सो दिस इज़ अ प्रपोज फ्रेमवर्क जो कि जून फर्स्ट में पब्लिक डोमेन में आ जाएगा एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट की प्रोविजन ऑफ डिजिटल इंडिया ड्राफ्ट बिल तो एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस होंगे फॉर एडिक्टिव टेक्नोलॉजी जो कि आज के टाइम में गेमिंग गेमिंग जिस तरह से एडिक्शन कॉज करती हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी में एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस होंगे कंटेंट मोनेटाइजेशन और रिवेन्यू शेयरिंग को लेकर के जो कि आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे ट्रांसपेरेंसी और पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट का भी प्रोविजन रखा गया है हाई रिस्क जो ए सिस्टम्स हैं उनको डिफाइन किया जाएगा उनको और टाइटली रेगुलेट किया जाएगा इसके अलावा फेक न्यूज़ को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक, फिक्स करी जाएंगी कि अगर कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ अगर रिफ्लेक्ट हो रही तो उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या डिस्क हैं जो कि इंटरमीडियस ले सकते हैं तो कई सारे जो चैलेंज हैं जो कि आईटी एक्ट में कवर नहीं हो रहे उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में कवर किए जाएंगे आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव दैट इज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लाइमेट डी एफ आई रंस इन टू फिनम रोड ब्लॉक तो कंट्री का जो पहला क्लाइमेट डेवलपमेंट फंड इंस्टीट्यूशन था जिसको हम क्लाइमेट डी एफ आई के नाम से भी जानते हैं जिसको बेसिकली बजट में प्रपोज किया गया था फिलहाल के लिए ये जो डी एफ आई है ये रेगुलेटरी हर्डल फेस कर रहा है फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस तो जो ये क्लाइमेट डी एफ आई प्रपोज किए गए थे पावर सेक्टर लेंडर्स पी एफ सी और आरई सी लिमिटेड क्लाइमेट so, डी के का टैग देने के लिए जो इसे कई सारे जो डेवलपमेंट फंड इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको क्लाइमेट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो टैग देने की बात कही गई थी उसमें उसका जो प्रपोजल था उसको फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव करने से मना कर दिया है और उसको लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस प्रपोजल को लेकर के क्लाइमेट डी प्रपोजल को लेकर के अपने कुछ रिजर्वेशन दी है एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एन बी एफ सीज वेरियस डिस्पेंशन अंडर द एग्जिस्टिंग डी एफ आई रजीम कैन बी मेड अवेलेबल टू दैम फॉर रूटिंग द ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या कहना है फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कहना है कि दो एन ऐसी हैं जिनको एग्जिस्टिंग डी एफ के तहत ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग को ट्रैप करने के लिए ऑलरेडी अवेलेबल अरेंजमेंट्स हैं और उन्हें कोई डीएफआई टैग देने की स्पेशल डीएफआई टैग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिन जो दो एन को कौन कौन सी एन बी ये पावर सेक्टर लेंडर्स पी लिमिटेड और आरई लिमिटेड इनको जो डी का टैग देने की बात गवर्नमेंट कर रही थी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ऑलरेडी इनके पास स्पेशल डिस्पेंशन हैं हमने स्पेशल प्रोविजन्स कर रखे हैं कि एन बी चाहें तो ईजली ग्लोबल जो क्लाइमेट फंडिंग है उसको ट्राप कर सकती हैं उसको टैप कर सकती उसके लिए स्पेशली उन्हें कोई डीएफआई स्टेटस देने की जरूरत नहीं है सेप्टेंबर लास्ट ईयर में यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने प्रपोजल रखा था और बहुत स्ट्रांगली इस प्रपोजल को रखा था कि जो पी एफ सी है और जो आरई सी लिमिटेड और जो पी एफ सी लिमिटेड है इसको डीएफआई का स्टेटस दिया जाए अब क्वेश्चन ये वाई दिस स्टेटस हैज बीन आस्क बाई यूनियन पावर मिनिस्ट्री क्योंकि अगर ये डीएफआई का स्टेटस मिल जाएगा तो उन्हें कई सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेंगे पी और डी ई को इसके अलावा जो ग्लोबल फंड है अवेलेबल है क्लाइमेट फंडिंग जो करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज ग्रीन टेक्नोलॉजी को फंड करती हैं क्लाइमेट प्रोजेक्ट को फंड करती हैं तो उनको एक्सेस करने में भी पी और आर को हेल्पफुल रहेगा उनको ईजी हो जाएगा तो उसको लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ऑलरेडी आर uh, और पी को के लिए ऐसे प्रोविजन्स हमने कर रखे हैं कि वो ईजली ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग को टैप कर सकती हैं इसके लिए उन्हें डी का स्टेटस देने की ज़रूरत नहीं है हालांकि ऐसे एंटिसिपेट किया जाता है कि अगर पी और आर को या डी का स्टेटस मिल जाता है तो ये कंट्री के पहले दो ऐसी एन होंगी जो कि ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग को रेज कर पाएंगी एंड नेट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट जो है एज ऑफ नाउ कंट्री में उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को भी ये इंक्रीज कर पाएंगी हाउ एवर जो सोर्सेज का यह कहना है कि गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिलहाल के लिए अभी इन दो एन बी एफ सीज को डी एफ आई में टर्न करने का जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया है क्यों और रीज़न क्या दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि जो ये डी का टैग है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है क्लाइमेट फंडिंग के लिए नहीं है

रिजेक्ट कर दिया है उन्होंने कहा है जो डी एफ आई लेवल प्रोविजंस हैं वो आप इसमें एप्लीकेबल कर दीजिए बट इनको पी एफ सी और आर ई सी को डी एफ आई का टैग देने की कोई ज़रूरत नहीं है ओवरऑल जो पावर मिनिस्ट्री तो उसका मत उसका पर्पस ये था है कि इसको एक डेडिकेटेड एजेंसीज के फॉर्म में प्रोजेक्ट किया जाए किन को इन पी एफ सी आर ई सी और पी एफ़ सी को लेकिन फिलहाल के लिए फाइनेंस उनका सपना तोड़ दिया है तो बेसिकली यहाँ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री की परफॉर्मेंस की बात करिए परफॉर्मेंस ईयर मींस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो इंडस्ट्री है उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करी है और वहां पर कहा गया है कि जहां पर मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज कई सारी इंडियन कंपनीज ने दो हजार तेईस में फाइनेंशियल ईयर दो हजार तेईस में स्लो डाउन रजिस्टर किया है वहीं जो बैंकिंग सेक्टर है वो एक आउटलायर के फॉर्म में इमर्ज हुआ है आउटलायर के फॉर्म में मतलब उसकी परफॉर्मेंस इंटायरली डिफरेंट रही है फ्रॉम ऑल इंडियन आई एनसी डिफरेंट रही है इट मीन बेटर रही है इन कंपेरिजन टू दिन कंपनी तो अगर कंबाइंड नेट प्रॉफिट सेक्टर बैंक का तो पिछले साल के कंपेरिजन में थर्टी नाइन पॉइंट फोर कंबाइंड नेट प्रोफिट रजिस्टर किया है बैंकिंग सेक्टर ने और जिसकी वजह से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीवीए में ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवी और जीडीपी में उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक परसेंट से ज्यादा हो गया जो की पिछले साल

और यही सेम ट्रेंड हमें अदर जो इंडिकेटर्स हैं चाहे वो जी वी हो चाहे वो जीएसटी कलेक्शन हो जीडीपी हो इन सब में अगर हम देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है एंड बिकॉज ऑफ दिस द बैंक्स इंटरेस्ट इनकम वॉज इक्वल टू फाइव पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ कंट्रीज जी वी ए इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री जो कि पिछले सात सालों का सबसे हाइस्ट पॉइंट है तो एक और जहाँ डेवलप कंट्रीज़ के जो बैंक्स हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर में चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बेसिकली ओवरऑल कंपेरिजन है इंडियन बैंकिंग सेक्टर का अदर कंपनीज और अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर से और किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया की जीवीए और जीडीपी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा था यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ दिस इन्फोग्राफिक्स बैंक का प्रॉफिट है दो से लेकर के दो तक so, का तो पैंडमिक के ड्यूरेशन में थोड़ा सा हम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अदरवाइज इसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है बैंक का प्रॉफिट एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट इनकम जो कि कंटिन्यूअसली ईयर बाई ईयर इंक्रीज हो रही है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोग्राम और एक अम्बरेला स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रोड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट को लेकर के गतिशक्ति ऑनलाइन पोर्टल है जो बेसिकली मिनिस्ट्रीज को स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है जिससे कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में कोऑर्डिनेट कर सके और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिले तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है हालांकि इसमें प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो लिमिटेड कर रखा है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय गवर्नमेंट तो फिलहाल के लिए अगर हम गति शक्ति की बात करें तो आफ्टर मेकिंग सम प्रोग्रेस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नाउ गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू यूज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर एरिया बेस्ड प्लानिंग और लोकल एरिया प्लानिंग और लोकल एरिया डेवलपमेंट तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके जो गति शक्ति प्लान है उसको लोकल एरिया डेवलप करने के लिए यूज किया जाएगा तो जो डेटा अवेलेबल है गति शक्ति प्लेटफॉर्म्स पर अब वो स्टेट गवर्नमेंट को भी एक्सेसबल होगा और उस डेटा को यूज़ करते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो हर अपने लोकल एरिया में सिटी से जो छोटे छोटे एरियाज हैं वहां पर डेवलपमेंट प्लान एग्जीक्यूट कर सकती हैं अगर हम अभी तक की बात करें तो अभी तक का जो तो गति शक्ति का फोकस था वो टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर पोर्टल को स्टेट्स के साथ भी शेयर करने जा रही है जिससे कि स्टेट जो है वो अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हैं मतलब तो ग्राउंड लेवल पर भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके बाई यूजिंग दिस गतिशक्ति पोर्टल तो अभी तक जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स लिए हैं गति शक्ति से गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड करना चाह रही तो बेसिकली अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए गति शक्ति जो पोर्टल था वो यूज़ होता था अब गवर्नमेंट जो है इसमें इस पर्टिकुलर बेनिफिट को और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाह रही है तो रीजन वाइज डेवलपमेंट स्टेट वाइज डेवलपमेंट लोकल एरिया वाइज डेवलपमेंट गवर्नमेंट अब इसमें ऐड करने जा रही है एंड एज पर द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 100 प्रोजेक्ट जो हैं लोकल एरिया बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं प्लानिंग हैं वो ऑलरेडी शक्ति में आ चुकी हैं तो गवर्नमेंट अब स्टेट्स गवर्नमेंट को भी इस पर्टिकुलर पोर्टल पर इंक्लूड करना चाह रही है जिसमें से तीस प्रोजेक्ट जो हैं वो प्लानिंग की स्टेज में हैं और इसमें फूड जॉइंट्स हैं पेट्रोल पम्प हैं डिस्प्ले ऑफ कल्चर जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स भी इसमें अब इंक्लूड किए जाए तो होलिस्टिक बेनिफिट्स ऑफ द इकोनमी नाउ गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग दिस गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान एंड दिस इज जी आई एस इनेबल प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ने दो अक्टूबर दो में अनाउंस किया था और ये कॉम्प्रीहेंसिव डेटा बेस प्रोवाइड करता है किस चीज का डेटा बेस प्रोवाइड करता है गतिशक्ति पोर्टल जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंट्री में में चल रहे हैं और जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनका टाइम कंप्लीशन का क्या है कितनी फंडिंग हुई है कब वो कंप्लीट हो जाए कितना वो डीले चल रहे हैं कहां पर चल रहे हैं कितना लॉजिस्टिक कॉस्ट है बहुत सारा डेटा होता है और ये बेसिकली ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये पोर्टल फॉर अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग टाइमली डिसजन मेकिंग इसका पर्पज़ यह था कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंश्योर करी जाए बिटवीन डिफर अमंग डिफरेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिससे कि एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा सके इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि किस जगह इन्वेस्टमेंट करना है किस जगह ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हैं किस जगह प्रोजेक्ट्स अभी अप्रूव नहीं हुए हैं पेंडिंग हैं कहाँ पर टाइम कम्पलीशन हो रहा है कहाँ पर टाइम से डीले हो रहा है कि तो उस हिसाब से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हो सके मिनिस्ट्रीज जो है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ले सकें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सके क्चर प्रोजेक्टिक्लानाइड के, के लिए टेलीकॉम लाइन पावर लाइन्स सिंगल पोर्टल पर अवेलेबल थे अप्रोक्सीमेटली एक हजार चार सौ पचास डेटा ले थी वो इस मास्टर प्लान में थी और छत्तीस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली पांच सौ पचास जो अपने प्लान्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान्स थे वो इसमें अपलोड किए थे तो छत्तीस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड थे और अगर स्टेट्स और यूटीज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आठ जो प्लान्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के वो इसमें अपलोड किए जा चुके हैं तो बहुत ह्यूज डेटाबेस है जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करता है गवर्नमेंट को अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स इंडियन बैंक इन गुड शेप बट टू बट अर्ली टू कॉल इट टू गुड तो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है वो अदर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो उसी को लेकर के जो आर के फार्मर डिप्टी गवर्नर हैं उनका इंटरव्यू है इनका ओपिनियन है मिस्टर एस एन विश्वनाथन उनका ये कहना है कि एज ऑफ नाउ इंडियन बैंकिंग सेक्टर जो है वो पहले के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हुई है बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ साउंडनेस इंप्रूव हुई है लेकिन जिस तरीके से एक्सटर्नल सिचुएशंस हो रही हैं जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन हो रही है ये नहीं कह सकते कि इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर देखने को नहीं मिलेगा और बैंक्स को भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो अब रिस्क है पहले जो एन के रिस्क होते हैं उसके अलावा और ज़्यादा भी रिस्क जो बैंक पर नए तरह के रिस्क इमर्ज हो रहे हैं और रिस्क एनालिसिस को लेकर के उनकी जॉब चेंज हो रही है कई सारे जो रिस्क अननोन नोन है अभी बहुत ज्यादा उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं पता है फाइनेंशियल रिस्क उसको भी अंडरस्टैंड करने की तो बैंक्स जो है दे आर इन गुड शेप बट अभी यह कहना कि बहुत स्ट्रांग हो गए ये बहुत ही एप्ट ओपिनियन नहीं होगा ऐसा कहना है जो हमारे फार्मर डिप्टी गवर्नर हैं आर के तो उनका यह कहना है कि ऑल दो ए क्यू आर अ क्वालिटी रिव्यू इम्प्रूव हुआ है इनसोल्वेंसी एंड बैंक करपसी कोड की वजह से एनपीए में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला बट इट इज टू सेलिब्रेट तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप डे वन ऑफ रुपी टू के नोट एक्सचेंज बैंक्स वेट कस्टमर तो जैसा हमने एंटिसिपेट किया था कि 2016 में जिस तरह से रश हमें देखने को मिला, मिला था बैंक करेंसी एक्सचेंज को लेकर के वैसा रश हमें इस बार भी देखने को मिलेगा तो फिलहाल के लिए जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग अभी बहुत ज्यादा रश बैंक्स में नहीं है और कई सारे बैंक में तो आधे टाइम तक कोई भी एक इंडिविजुअल भी नहीं आया किसी भी करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए और इसका सीधा रीज़न यही था कि आर ने क्लियरली बोला था कि जो दो के नोट्स हैं इनका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा लास्ट टाइम की तरह तो फिलहाल के लिए बैंक्स आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्यू लेकिन अभी के लिए कोई बहुत सिग्निफिकेंट भीड़ या बहुत सिग्निफिकेंट क्राउड देखने को नहीं मिला अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्ट लोअर टेम्प लैकली टू तो हैव हाँ कूल डाउन आई, आई इन मार्च एंड अप्रैल जो तो लोअर देन यूजल टेम्परेचर जो कि मार्च और अप्रैल के ड्यूरेशन में कंट्री ने फेस किया क्यों लोअर देन यूजुअल क्योंकि बिकॉज ऑफ द अनसीजनल रेन कुछ रीजनल और कई अनसीजनल रेन कई पार्ट्स में देखने को मिली ओले भी गिरे हैं कई जगहों पर जिसकी वजह से ऐसा मानना है एक्सपोर्ट क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कूल डाउन होगा बिकॉज ऑफ दिस लोअर देन यूजअल टेम्परेचर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल पीरियड तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जी ने डेटा पब्लिश किया है और उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी डिमांड मेड डिक्लाइन बाई टू पॉइंट वन परसेंट इन द मंथ ऑफ मार्च इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर तो बेसिकली अगर टेम्परेचर जो एवरेज से कम रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो भी कम होगी जिसका इंपॉर इलेक्ट्रिसिटी आईआईपी में एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो आर्ट कोर सेक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कोर सेक्टर है तो द मंथली इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ इन द मंथ ऑफ मार्च कॉन्ट्रैक्ट बाई वन पॉइंट सिक्स परसेंट अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर रही मैनुफेक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही कॉन्ट्रैक्ट कर रही अनसीजनल रेंज देखने को मिली जिसकी वजह से टेम्परेचर जो था वो डिक्लाइन था तो जो डिमांड एंटिसिपेट करी जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी के केस में उतनी डिमांड नहीं हुई तो उसके हिसाब से उतनी ग्रोथ नहीं हुई और ग्रोथ का इंपैक्ट हमें टोटल आईआईपी पर देखने को मिलेगा हालांकि अप्रैल मंथ का डेटा भी अवेलेबल नहीं है बट अकॉर्डिंग टू द डेटा सोर्स फ्रॉम द ग्रेट कंट्रोलर ऑफ इंडिया एनर्जी डिमांड मेट डिक्लाइन बाई टू इन द मंथ ऑफ मार्च तो मार्च और अप्रैल में जो आई, आई है वो थोड़ा सा कूल डाउन होगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कॉन्ट्रेक्शन क्यों हुआ बिकॉज ऑफ द लेस टेम्परेचर एंड लेस डिमांड or cure because of the unseasonal rain in northern part of the india i think that is all for today students please like share and subscribe thank you have a nice day